हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डब्लू जी स्टडी विद गुरुकोस और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिटिल एल्बोट एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत अहमियत रखता है बिकॉज़ ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही बहुत सारे कंडीशनिंग के कंसेप्ट और क्लियर हो पाए थे और लर्निंग के बारे में और हमें नॉलेज मिल पाई थी तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है लिटिल एलबोट एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैं आजकल लर्निंग और कंडीशनिंग के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ तो ये जो एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इट वाज़ कंडक्टेड बाय दी वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड जिन जो कि जिनकी स्पेशलिटी थी बिहेवियर में ही वाज़ अ बिहेवियर जिनका नाम था जॉन बी वॉटसन जो कि इन, इन्होंने किया था अलॉन्ग विद अ ग्रेजुएट हुज नेम वॉ रोजली रेन तो उन्होंने क्या किया वॉट ही डिड उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने रशियन फिजियोलॉजी इवेंट पैवलोव है जो कि मैं अपने लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ इवेंट पेवलोव का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कंडीशनिंग प्रोसेस जो है डॉग्स में डेमोन्स्ट्रेट की थी तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पढ़ा था एंड उसके बाद वॉटसन क्या है ही टुक द पेवलेज रिसर्च टू अ स्टेप फर्दर बाय शोइंग द इमोशनल रिएक्शन कुड बी क्लासिकली कंडीशनड इन पीपल बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ही वॉज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इवन पैबलॉप डॉग्स कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट एंड ही वॉन्टेड टू शो बाय कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट की इमोशन रिएक्शंस भी क्लासिफिकली कंडीशन किया जा सकता है इन ह्यूमन बिहेवियर एंड इन ह्यूमस तो क्या है लिटिल एलबर्ट एक्सपेरिमेंट आइए जानते हैं सो so बेसिकली क्या है एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट जो है वॉटसन एंड रेनर ने एक छोटे से बच्चे पे किया था जो कि था नाइन मंथ्स और उसको नाम दिया उनका एक्चुअल नाम था एल्बर्ट बी बट वाटसन और रेनर ने उनका नाम दिया लिटिल एल्बर्ट तो बेसिकली उन्होंने क्या किया ये नौ महीने के बच्चे को एक्सपोज्ड हेम टू सीरीज ऑफ स्टेमुलाए स्टिमुलाय जैसे कि वाइट रैट अ रैबिट अ मंकी मास्क बर्निंग न्यूज पेपर एंड ऑब्जर्व द बेबी रिएक्शन ये सब जो है ऑफनली ये सब चीज़ें जो हैं उसको एक्सपोज कराते रहे इन ए सीरीज एंड ऑब्जर्वेशन की कि वॉट इज द बॉयज़ रिएक्शन हाउ बॉय इज़ रिएक्टिंग सो ही दे फाउंडेड दैट बॉय इनिशियली शोड नो फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट उनको कोई भी फेयर नहीं लगा इस ऑब्जेक्ट से बट देर इज़ ए ट्विस्ट इन द स्टोरी उन्होंने क्या किया उसके बाद कंडीशनिंग के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर और रिसर्च करने के लिए नेक्स्ट टाइम जब एल्बर्ट को ये सारी चीज़ें एक्सपोज कराई गई तो एक लाउड नॉइज़ के साथ लाउड नॉइज़ जैसे कि हैमर और विद मेटल पाइप तो नेचुरली इतनी लाउड साउंड बच्चा सुनेगा तो वो रोने लगा क्राइड आफ्टर हियरिंग दिस लाउड नॉइज़ सो बट उन्होंने क्या किया आफ्टर रिपीटिंग द पेयरिंग ऑफ वाइट रैड विद द लाउड नॉइज अब उन्होंने ये जो काम है बार बार किया वॉट दे डिड जैसे ही वाइट देते अल्बर्ट को खेलने के लिए उसी के साथ जोर से हैमर से लाउड नॉइज बनाते एंड जिससे कि बच्चा डर जाता एंड इन्होंने ये एसोसिएशन बहुत बार करी एंड बार बार करी सो so, उससे क्या रिजल्ट हुआ एल्बर्ट बिगन टू क्राई सिंपली सींग द रैट मतलब उसका बिहेवियर कंडीशनड हो गया कंडीशनिंग हो गई कि सिर्फ चूहे को देख कर सिर्फ वाइट रैट को देख के ही उसकी वो रोने लगता था सो so, वॉटसन और रेनर के वर्ड्स में कहें उन्होंने लिखा है द इंस्टेंट द रैट वॉज सोन द बेबी बिगन टू क्राई जैसे ही चूहे को दिखाया जाता था बेबी यूज टू क्राई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही टर्न शार्पली टू द लेफ्ट फेल ओवर ऑन द लेफ्ट साइड रेज हिमसेल्फर ए बिगन टू क्रॉल मतलब वो फटाफट से कभी लेफ्ट या इधर भागने की कोशिश करता क्रॉल करके कहीं और जाने की कोशिश करता कि वो उससे इतना डर गया था तो ये जो डर है ये जो फियर है दैट इज़ द कंडीशन रेस्पॉन्स सो इससे उन्होंने कंक्लूड किया उन्होंने जाना कि क्लासिकल कंडीशनिंग ह्यूमन बिहेवियर में भी हो सकती है सो द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट्स ए वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी यूज टू अ कंडीशन एंड इमोशनल रेस्पॉन्स। जिसमें कि मैं ये सारे जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स अनकंडीशन ये सब मैं लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ बट मैंने यहाँ पे आज लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तो मैं इस से रिलेटेड भी बता देती हूँ जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि पहले कोई रिस्पांस क्रिएट नहीं कर रहा था बट अब कर रहा है क्या है वो वाइट रैट क्या हो गया यहाँ पे वाइट रैट हो गया एंड अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया यहाँ पे द स्टिमुलस दैट इलिसिट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस द लाउड नॉइस लाउड नॉइज क्या है अनकंडीशन रिस्पॉन्स है यहाँ पे एंड सॉरी अनकंडी स्टिमुलस है एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है द नेचुरल रिएक्शन टू अ गिवन स्टिमुलज द फीयर एंड द कंडीशन स्टमुलस हेयर इज अ रिस्पॉन्स विच पेयरड विद द अनकंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या पेयर किया गया था वाइट रेड को लाउड नॉइज के साथ पेयर किया गया था तो वो बन गया वाइट कंडीशन स्टिमुलस क्या बन गया वाइट रैट सो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया कंडीशन स्टिमुलस ना उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस क्या देता है कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि है फियर तो फ्रेंड दिस वॉज एन अनादर एग्जाम्पल हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी डन विच वॉज एक्सप्लेन बाय द वॉटसन एंड रेनर आई होप आपको लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे उन्होंने उन्होंने शो किया कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर की भी कंडीशनिंग की जा सकती है जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि नाइन मंथ्स का एक छोटा सा बेबी है यहाँ पे एल्बर्ट उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइक रैबिट रैट जोकर फेस मंकी इन सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया और तब देखा कि जब उसको रैट दिया गया तो हैमर या मेटल के साथ लाउड वॉइस की गई तो धीरे धीरे देखा कि सिर्फ वाइट रैट देने के बाद ही बच्चा जो है रोने लगता था क्राई करने लगता था रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश हो गया था कंडीशनिंग हो गई थी और इसको कहते हैं बिहेवियर लर्निंग तो फ्रेंड दिस वाज़ अबाउट द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आई होप आपको कोई कंसेप्ट समझ में आया होगा अगर आपको कोई समझ में आया है आपको मेरी वीडियोस वॉच करना बहुत फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आने वाली है थैंक यू